हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अपने डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर को यूज किया हो तो आपने कभी ना कभी कमांड लाइन की हेल्प से कमांड प्रॉम्प्ट को जरूर यूज किया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही बेसिक कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद ही आपको पता हो, क्योंकि विंडोज सिस्टम पर ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरफेस को यूज करके बड़ी आसानी से हर एक चीज को एक्सेस कर लेते हैं और काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो कमांड लाइन की हेल्प से कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही बेसिक कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको पता होना काफी जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को सिलेक्ट करना ना भूलें, जिसे यूज करके आप अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, तो उसके लिए कीबोर्ड से विंडोज प्लस आर को प्रेस करना है और फिर यहाँ पर सीएमडी को टाइप करके एंटर करना है और ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कमांड है आईपी कॉन्फिग। दोस्तों, अगर आपको आपके सिस्टम के या फिर किसी भी दूसरे सिस्टम के आईपी एड्रेस को पता करना है तो इसके लिए आपको आईपी कॉन्फिग के कमांड को यूज करना है। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है आईपी कॉन्फिग और फिर आपको कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करना है। एंटर को प्रेस करते ही यहां पर आप सिस्टम के आईपी एड्रेस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी सिस्टम के आईपी एड्रेस को पता कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कमांड है टास्क लिस्ट। अगर आपको आपके सिस्टम पर कौन कौन से एप्लीकेशन रन हो रहे हैं उसे अगर देखना है तो उसके लिए आपको टास्क लिस्ट के कमांड को यूज करना है। तो बेसिकली आपको कमांड प्रॉम्प्ट में टास्क लिस्ट के कमांड को टाइप करना है और फिर कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करना है। एंटर को प्रेस करते ही यहां पर आपके सिस्टम में जितने भी रनिंग एप्लीकेशंस हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशंस आपके कमांड प्रॉम्प्ट में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरह से आप आपके कमांड प्रॉम्प्ट पर रनिंग एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कमांड को देखते हैं जो है डॉस की। तो दोस्तों, डॉस की कमांड को यूज करके आप जो चाहे उस कीवर्ड का एक नया कमांड क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि किसी भी कमांड को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर डॉस की कमांड को टाइप करता हूं और फिर यहां पर मैं मेरे नए कीवर्ड को मेंशन करता हूं। तो सैक मेरा नया कीवर्ड है जिसका मैं एक नया कमांड क्रिएट करना चाहता हूं और फिर इज इक्वल टू के साइन को मेंशन करता हूं और फिर यहां पर dir कमांड को टाइप करना है। अब इससे क्या होगा कि dir कमांड की जो भी फंक्शनैलिटी है वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी सैक कीवर्ड में आ जाएगी। तो अब यहां पर कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही अब मुझे सैक कमांड को रन करके देखना है कि ये प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं, और ये कमांड सक्सेसफुली वर्क हो रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी नए कीवर्ड को यूज करके कमांड क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आपके सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सपायरी डेट को चेक करना है तो इसके लिए आपको slmgr कमांड को यूज करना है। तो मैं यहां पर slmgr.vbs-xpr कमांड को टाइप करता हूं और फिर एंटर को प्रेस करता हूं। एंटर को प्रेस करते ही यहां पर विंडोज डेट एक्सपायरी का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, जहां पर बेसिकली आपके ओएस की एक्सपायरी की डेट, मंथ, ईयर और टाइमिंग को मेंशन किया जाता है। बट मेरे केस में ऐसा नहीं है। तो इस तरह से आप आपके विंडोज सिस्टम के एक्सपायरी डेट को चेक कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कमांड है चेंज डायरेक्टरी। अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट में किसी भी डायरेक्टरी के पाथ को चेंज करना है तो इसके लिए आपको सीडी कमांड को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर सीडी कमांड को टाइप करता हूं और फिर जिस किसी भी डायरेक्टरी में चेंज करना है उसके नाम को यहां पे मेंशन करता हूं, फॉर एग्जाम्पल डाउनलोड्स, और फिर कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आप यहां पर देख सकते हैं कि डायरेक्टर का पाथ चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप सीडी कमांड को यूज करके डायरेक्टर के पाथ को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहां पर डाउनलोड की विंडो को और कमांड प्रॉम्प्ट के विंडो को साइड बाय साइड ओपन करता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझने में आसानी हो। तो यहां पर हमारा अगला कमांड है मेक डायरेक्टरी। अगर आपको आपके सिस्टम में किसी भी लोकेशन पर फोल्डर को क्रिएट करना है
तो इसके लिए आपको मेक डायरेक्टरी के कमांड को यूज करना है। तो सबसे पहले आपको सिस्टम में कोई भी एक लोकेशन को फिक्स करना है जहां पर आपको आपके फोल्डर को क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डाउनलोड के डायरेक्टरी में मेरे नाम के फोल्डर को क्रिएट करना है, तो इसके लिए मैं यहां पर mkdir कमांड को टाइप करता हूं और फोल्डर के नाम को मेंशन करता हूं। तो मेरे फोल्डर का नाम है सचिन, और फिर कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करता हूं। एंटर प्रेस करते ही आप यहां पर डाउनलोड के डायरेक्टरी में सचिन नाम के फोल्डर को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप काफी आसान तरीके से किसी भी लोकेशन पर अपने फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं यहां पर फिर से चेंज डायरेक्टरी के कमांड को यूज करके क्रिएट किए हुए फोल्डर में एंटर करता हूं, और इसी के साथ डाउनलोड विंडो में भी सेम फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हमारा नेक्स्ट कमांड है कॉपीकॉन। अगर आपको आपके सिस्टम में किसी भी फाइल को क्रिएट करना है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, XML फाइल हो या फिर डॉक फाइल हो, तो इसके लिए आपको कॉपीकॉन कमांड को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर कॉपीकॉन कमांड को टाइप करता हूं और फिर जिस किसी भी फाइल को क्रिएट करना है उसके नाम को उसके एक्सटेंशन के साथ यहां पर टाइप करता हूं। तो मैं यहां पर sample.txt फाइल को मेंशन करता हूं और फिर कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करता हूं। एंटर प्रेस करते ही आपको यहां पर आपके टेक्स्ट कंटेंट को ऐड करना है। तो अभी फिलहाल मैं यहां पर हेलो वर्ड को टाइप करता हूं। हेलो वर्ड टाइप करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+Z को प्रेस करके एंटर को प्रेस करना है, और ये हमारी टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई है। तो इस तरह से आप काफी आसान तरीके से किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट कमांड है रेन। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी फाइल के नाम को चेंज करना है या फिर फाइल के नाम को रीनेम करना है, तो इसके लिए आपको रेन कमांड को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहां पर इस फाइल के नाम को चेंज करना है, तो मैं यहां पर रेन कमांड को टाइप करता हूं और फिर मैं यहां पर sample.txt फाइल को मेंशन करता हूं। अब इस सैंपल फाइल को जो भी नया नाम देना है उसे भी यहां पर मेंशन करना है, तो मैं यहां पर new sample.txt को मेंशन करता हूं और फिर कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करता हूं। एंटर को प्रेस करते ही आप यहां पर देख सकते हैं कि सैंपल फाइल का नाम सक्सेसफुली चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल के नाम को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हमारा नेक्स्ट कमांड है टाइप। अगर आपको आपके टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को कमांड प्रॉम्प्ट में रीड करना है या फिर उस टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को कमांड प्रॉम्प्ट में डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए आपको टाइप कमांड को यूज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर टाइप कमांड को मेंशन करता हूं और फिर टेक्स्ट फाइल के नाम को उसके एक्सटेंशन के साथ यहां पर टाइप करता हूं और फिर कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करता हूं। एंटर प्रेस करते ही आप यहां पर टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को कमांड प्रॉम्प्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा नेक्स्ट कमांड है डिलीट। अगर आपको आपके सिस्टम में किसी भी फाइल को डिलीट करना है, तो इसके लिए आपको डिलीट कमांड को यूज करना है। तो मैं यहां पर डेल कमांड को टाइप करता हूं और फिर यहां पर जिस किसी भी फाइल को डिलीट करना है उसके नाम को उसके एक्सटेंशन के साथ यहां पे मेंशन करना है। तो मैं यहां पर new sample.txt फाइल को मेंशन करता हूं और अब कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करता हूं। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि यहां से न्यू सैंपल नाम की फाइल डिलीट हो गई है। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। अब हमारा अगला कमांड है रिमूव डायरेक्टरी। बट रिमूव डायरेक्टरी कमांड को रन करने से पहले मैं यहां पर cd:// कमांड को यूज करता हूं, जिसे यूज करके आप करंट डायरेक्टरी से प्रीवियस डायरेक्टरी में स्विच हो सकते हैं। तो मैं यहां पर cd:// कमांड को टाइप करता हूं और फिर एंटर को प्रेस करता हूं, और ये हम सैंपल फोल्डर से प्रीवियस फोल्डर में आ गए हैं। और अब हम रिमूव डायरेक्टरी के कमांड को यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी फोल्डर को या फिर सब फोल्डर को डिलीट करना है, तो इसके लिए आपको रिमूव डायरेक्टरी के कमांड को यूज करना है। तो सपोज मुझे यहां पर इस फोल्डर को डिलीट करना है, तो मैं यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट में rmdir कमांड को टाइप करता हूं और फिर यहां पर जिस किसी भी फोल्डर को डिलीट करना है उसके नाम को मेंशन करता हूं। तो मैं यहां पर सैंपल फोल्डर के नाम को मेंशन करता हूं। आपकी बार आप जैसे ही एंटर को प्रेस करते हैं, यहां पर सैंपल नाम का फोल्डर पूरी तरीके से डिलीट हो गया है।
तो इस तरह से आप किसी भी फोल्डर को, सब फोल्डर को या फिर किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कमांड है कलर। दोस्तों अभी हम जिस कमांड प्रॉम्प्ट को यूज कर रहे हैं या फिर जो भी कमांड टाइप कर रहे हैं उसके टेक्स्ट का कलर बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर है। अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट के टेक्स्ट कलर को चेंज करना है तो इसके लिए आपको कलर कमांड को यूज करना है। तो सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कलर कमांड को टाइप करना है और फिर यहाँ पर जो भी कलर को आपको चेंज करना है उसे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लू कलर को मेंशन करता हूँ और फिर कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर कलर का जो भी कोड या फिर जो भी वैल्यू है उसे यहाँ पर डिस्प्ले किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ब्लू कलर को सेट करना है तो 1 टाइप करना है या फिर ग्रीन कलर को सेट करना है तो आपको 2 टाइप करना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको कलर कमांड को टाइप करके आपके कलर का जो भी कोड या फिर उसकी वैल्यू है उसे मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पर 1 को मेंशन करता हूँ और फिर कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करता हूँ। एंटर को प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पर जो भी कमांड टाइप किए थे वो सारे के सारे ब्लू कलर में चेंज हो गए हैं। तो इस तरह से आप कमांड प्रॉम्प्ट के टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कमांड है एग्जिट कमांड। अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जिट करना है या फिर कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करना है तो इसके लिए आपको एग्जिट कमांड को यूज करना है। तो सपोज मुझे यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करना है तो मैं यहाँ पर एग्जिट कमांड को टाइप करता हूँ और फिर कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करता हूँ। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट पूरी तरीके से क्लोज हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप विंडोज प्लेटफॉर्म पर कमांड लाइन की हेल्प से कमांड प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक कमांड्स जिसकी हेल्प से आप कमांड प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ ये सारे के सारे कमांड्स आपको पता होना काफी जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बेल आइकन को सिलेक्ट करना ना भूलें जिसे यूज करके आप अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।